मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया ते। Okay, so hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. So guys, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में guys, मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि guys, आपकी 144 पिक्सल वाली वीडियो यानी कि जो भी आपकी कम क्वालिटी वाली वीडियोज हैं उनको आप 4K क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एंड अपनी वीडियो को आप कैसे मतलब कि वायरल करा सकते हो. तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना. बाकी गाइस आपको करना है क्या, गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है गाइस, ठीक है. ये जो भी सेटिंग्स होंगी मैं VN एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा और आपको एक्सपोर्ट सेटिंग कैसे रखनी है और जो और मतलब कि क्या सेटिंग करनी है सब कुछ मैं बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखना. तो ये हमारी वीडियो है गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो वीडियो हमने वहाँ पे ऐड कर रखी है उसी वीडियो को वापस से ऐड करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक फिट का ऑप्शन दिखेगा गाइस, ठीक है. नीचे साइड में स्क्रॉल करोगे तो आपको सिंपली फिट कर देना है एंड फिट कर देने के बाद आपको यहाँ पे ना साइड में स्क्रॉल करना है. यहाँ पे आपको एक ब्लेंडिंग करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है. आपको साइड में स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको सिंपली इसको लेना है, ठीक है. ये वाला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, आपको स्टार्टिंग में चले जाना है फिल्टर में. फिल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है एडजस्ट में चले जाना है. एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक शार्पन करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको एकदम 100 नहीं यहाँ पे 90 तक रख देना है गाइस, ठीक है. तो मैं इसका 90 कर देता हूँ एंड इतना होने के बाद आपको उसको डन करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, ठीक है. कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली इसको एकदम से सेव कर लेना जाकर डायरेक्ट, ठीक है. तो ये सेटिंग्स वगैरह 4K तक जहाँ तक हम उसमें अवेलेबल हो वहाँ तक आपको एकदम फुल कर देना है गाइस, ठीक है. 4K 2K 180 जितना भी मतलब आपकी फ़ोन में सपोर्ट करता है आपको फुल कर देना है. देन आपको यहाँ पे गाइस इसको मैं एक्सपोर्ट होने देता हूँ. यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है, आपको अब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है. आपको अपनी जो पहले वाली वीडियो थी आपकी जो शूट करी है आपने, आपको पहले उसको ऐड करना है एंड उसको ऐड कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे गाइस ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है. जो भी आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है गाइस, आपको सिंपली उस वीडियो को यहाँ पे जो है ऐड करना है. तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, उसको यहाँ पे ऐड हो चुका है गाइस, ठीक है. तो अब क्या करना है आप सभी को, जब आपकी वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाए तो आपको सिंपली वही सेम चीज़ करनी है, मतलब सेम चीज़ मतलब कि फिट करना है पहले वीडियो को एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ से जो है ब्लेंडिंग मोड में. आपको ब्लेंडिंग मोड मिलेगा, आपको उसमें चले जाना है एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक डिफेंस करके एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. तो आपको साइड में स्क्रॉल करना है, आपको ये डिफेंस वाला फिल्टर आपको यूज़ करना है एंड इसका जो अमाउंट है आपको उसको अराउंड 18 से लेके 20 के बीच में रखना है, ठीक है. तो जाने के बाद आपको फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है. एडजस्ट में जाने के बाद आपको अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है ये वाली सेटिंग करनी है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा माइनस की तरफ कर लेना है एंड जो टेम्परेचर है इसको हम थोड़ा सा प्लस कर लेंगे अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर शार्पनेस जो है इसको गाइज आपको जितना हो सके उतना बढ़ा देना है गाइज, ठीक है. आपको अपनी वीडियो के हिसाब से देन आपको इतना हो जाने के बाद आपको ये करना है. अब जो है गाइज यहाँ पे देखिए, मैं आपको ना पहले एक बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहूँगा. तो देखिए ये रहा ओपेसिटी, मैं इसको यहाँ पर कम करता हूँ तो गाइज देखिए कितना फ़र्क दिख रहा है. ये चीज़ गाइज अभी नज़र नहीं आएगी, मैं आपको एकदम से मतलब पूरा दिखाऊंगा, ठीक है. तो मैं इसको अराउंड इतना तक रख लेता हूँ. अभी गाइज हमारी पूरी सेटिंग नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, अपनी वीडियो की लेयर पे, फिर फिल्टर पे जाना है, एडजस्ट में जाना है. एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले इसका एक्सपोजर बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है. एंड उसके बाद जो ब्राइटनेस है इसको आपको थोड़ा सा 6+ कर देना है एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है अराउंड 13 तक एंड उसके बाद चले जाना है आपको यहाँ शार्पन के ऊपर एंड इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है अराउंड, इसको रखना है आपको यहाँ पे 35 तक एंड डन. एंड गाइस फाइनल रिजल्ट गाइस आप देख सकते हैं, गाइस यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से फ़र्क आ चुका है हमारी वीडियो में. तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी. तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.